ये हो गया था ये वाला। चलो देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, ठीक है, और एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म। तो बायो सेवर्ट लॉ काफ़ी स्टार्टिंग में थ्योरी में भी बताया था, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, उस वायर का स्मॉल कंपोनेंट ले लें डीएल, जरूरी नहीं स्ट्रेट वायर हो, कैसा भी वायर हो, तो किसी भी पॉइंट पर, किसी पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना था, इस स्मॉल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये लेंथ काफ़ी कम है डीएल, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होंगी, काफ़ी कम, डिफरेंशियल फॉर्म में डीबी। करंट बेटा कितनी जा रही, आई। तो बायो सेवर्ट लॉ ने एक ही बात बताई, और इनके बीच की दूरी कितनी है, आर। और डीएल की अगर तुमसे हम डायरेक्शन बोले, मान लो ये कर्व बन रहा होता है ऐसे, इस जगह डायरेक्शन बोलते तो आप क्या करते, एक टेंजेंट ड्रा करते ऐसे, तो यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रा कर लो इस जगह पे, जो कि डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है। और एंगल कितना बन रहा है डीएल वेक्टर से, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वहाँ से एंगल कितना बन रहा, थीटा। तो बायो सेवर्ट लॉ ने हमें एक बात बताई थी, क्या डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, मतलब जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया था, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, मतलब जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड उन्होंने क्या बताया था, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा का मतलब ये नहीं जितना ज़्यादा एंगल, यहाँ पे अगर ये मैक्सिमम कब हो सकता, 90 डिग्री पर, मतलब इस डीएल की वजह से अगर आप 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम होंगी, और अगर आप 0 डिग्री पे पता कर रहे हैं तो वो मिनिमम नहीं, 0 ही होंगी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बताया था। फोर्थ उन्होंने क्या बताया था, डीबी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब जितना ज़्यादा दूरी बढ़ाओगे कहाँ से, लेंथ से लेके पॉइंट की, उतना जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होंगी और स्क्वायर टाइम्स कम होंगी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों पॉइंट को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या निकल गया था, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही था ना। अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो एक कांस्टेंट लगेगा, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10^-7, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही क्या है बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग स्मॉल लेंथ डीएल पर मैग्नेटिक फील्ड। ये छोटा सा पार्ट है, अगर मान लो कोई बड़ा पार्ट हो तो हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। डीएल का मतलब समझो स्मॉल पार्ट, समझ इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, छोटे छोटे पार्टों को क्या करना, ऐड कर देना। मुझे मान लो यहाँ से यहाँ तक का चाहिए था तो हम इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। वो डिपेंड करता है कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यू थी, ये बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो लेकिन यहाँ पे बोला तो ये गया है स्टेट बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ बताना है एक्सप्रेस इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे हमने कहीं वेक्टर की बात की है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, तो देखो वेक्टर कैसे लाएंगे, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम ऊपर वेक्टर लगाना चाहें तो यहाँ पर कोई अभी दूसरा वेक्टर नहीं, ना डॉट प्रोडक्ट लगा सकते ना कॉस, तो यहाँ पर डी बी इक्वल्स टू ऊपर नीचे आर और आर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई डी एल आर और साइन थीटा, तो ये कितना बन जाएगा आर क्यूब। और यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा होगा, और किसी भी स्केलर को वेक्टर में बदलने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर, ये चीज़ पता है कि नहीं।
अगर नहीं पता है तो जान लो, कोई भी स्केलर क्वांटिटी से अगर मुझे वेक्टर में बदलना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर तीन तरह के तुम लोगों ने पढ़े होंगे। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, वाई का जे कैप, और जेड की डायरेक्शन कौन बताता है, के कैप, पता है ना। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन, और उसमें क्या होता है, डायरेक्शन। मतलब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। मतलब इसका, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन, किसी भी वेक्टर को वन से, किसी भी मैग्नीट्यूड को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट आएगा क्या इस पर, नहीं। तो मतलब मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ और इसमें क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। तो स्केलर से किस में चेंज हो गया, ये वेक्टर में। और इसके बाद देखो यहाँ पे, यहीं पे एक डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा ए वेक्टर, अच्छा आर और आर से जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, क्यूब बन गया था। ए वेक्टर डीएल पहला, दूसरा आर वेक्टर साइन थीटा एन कैप। क्लास 11 में तुमने पढ़ा होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फार्मूला होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, उसके बाद साइन थीटा, फिर एन कैप। इसका मतलब पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, साइन थीटा, एन कैप को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर एल है और दूसरा वेक्टर आर है, डी एल और आर। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई आर वेक्टर क्रॉस डी एल वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब एक चीज और है, किसी का मन करे कि डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख दे, हमने लिखा आर वेक्टर क्रॉस डी एल वेक्टर, तो कैसे पता करेंगे कौन सा सही। मैं कह रहा हूं कि दो ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन एक ये ऑप्शन, चलो देखते हैं कैसे पता करते हैं। अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है इन दो क्रॉस प्रोडक्ट से, तो एक सिंपल सा नियम होता है, जिधर पहला वेक्टर हो उधर चारों फिंगर, ये फोर फिंगर, उस डायरेक्शन में करेंगे। जिधर दूसरा वेक्टर हो, पहला वेक्टर हमने क्या लिया, फर्स्ट वाले को कंसीडर कर रहे हैं आर, तो आर की तरफ चारों फिंगर, दूसरा वेक्टर कौन है लेंथ, तो जिधर लेंथ हो उधर ये चारों फिंगर बेंड करेंगे, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो चलो पता करते हैं मेरा फार्मूला ये वाला सही है या फिर दूसरा जो लिखा है डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर इज आर क्यूब, कौन सा सही है ये पता करने जा रहे हैं। चलो देखो, तुम पहले हमें ये बताओ, अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो थंब रूल से इधर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी। भैया देखो, अगर करंट की डायरेक्शन, ये करंट डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब रूल से। करंट अगर ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इस तरफ, इस पॉइंट पे, इनसाइड। इनसाइड के लिए सिंबल कौन सा यूज करते हैं, क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। चलो देखें, जिसमें एक बार ये अप्लाई करके देखेंगे और एक बार ये अप्लाई करके देखेंगे, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आएगी वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही। चलो देखो, सबसे पहले हमने लिखा आर, तो आर तो इधर है, तो आर की डायरेक्शन ये, डी एल किधर है, ऊपर, तो डी एल ऊपर, इधर देखो आर की डायरेक्शन इधर, जिधर पहला वेक्टर को किधर है, आर की तरफ, तो आर की, जिधर पहला वेक्टर उधर चारों फिंगर, जिधर दूसरा वेक्टर है उधर चारों फिंगर बेंड करो, जिधर दूसरा वेक्टर है उधर चारों फिंगर क्या करो, बेंड करो, तो डी एल किधर है, ऊपर की तरफ, तो आर इधर ऊपर की तरफ हमने चारों फिंगर बेंड की, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही, आउटसाइड, क्या सही है। तो इसका मतलब जो पहला वाला लिखा है ये आंसर सही नहीं है, कौन सा सही होगा, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। चलो डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करके भी देखें, डी एल किधर है, ऊपर, आर किधर है, इधर, ये देखो आर की डायरेक्शन किधर है, इधर, तो आर की तरफ हम बेंड करें चारों फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही, थंब की डायरेक्शन, इनसाइड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है तो इनसाइड, इसका मतलब कौन सा सही है, ये वाला आंसर सही है। कोई दिक्कत, दो वेक्टर से डायरेक्शन कैसे पता करते ये समझ आ गया। वैसे ये 11th का पार्ट है, 11th में तुम्हें आना चाहिए कि दो क्रॉस प्रोडक्ट होते तो उनकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो बायो सेवर्ट लॉ हो गए, ये वाला पॉइंट अभी नोट कर लेना। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या पूछा गया है,
यूजिंग बायोट सेवर्ट ला ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल रेडियस आर कैरिंग अ करेंट आई एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स फ्रॉम, पहले बायो सेवर्ट ला लिख लो फिर इसका डेरिवेशन करा दे रहे हैं, लिख लो हुए? इसके बाद देखो दूसरा वाला ऐसा डेरिवेशन है कि बायो सेवर्ट लॉ को यूज करते हुए ही हमने किया है। थोड़ा सा स्पेस मिल जाए तो बढ़िया है, खाली जगह, चलो यहीं पे करते हैं, बहुत सारी जगह। देखो पहले यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ हमें किसका यूज करना है, बायो सेवर्ट लॉ का यूज करना है, और ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू अ सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस आर। लो हमारे पास एक सर्कुलर क्वाइल है जिसका रेडियस कितना है आर, कैरिंग अ करेंट आई, और इसमें करेंट कितनी जा रही है, आई करेंट मूव कर रही है एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। अब देखो इस क्वाइल की एक्सिस कौन सी होती है, ये इस क्वाइल की एक्सिस है, तो इसके एक्सिस पर निकालना है, डिस्टेंट एक्स, और कितनी दूर एक्सिस पे, कितनी दूर एक्स डिस्टेंस पर, ठीक। अब सुनो इधर, इतना तो जो क्वेश्चन में था वो हमने लिख दिया। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, काम ये करेंगे कि पहले हम स्मॉल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो स्मॉल लेंथ कितना है बेटा, dl, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कितना कर देंगे 2 पाई r तक, तो पूरे की आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। चलो समझो, तो सबसे पहले इस स्मॉल लेंथ dl की वजह से इस p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। लो यहां से मैग्नेटिक फील्ड गई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जरा ध्यान सुनो, अगर हमारे पास सर्कुलर क्वाइल होती है, और थोड़ा अगर ऐसे सर्कुलर क्वाइल है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड पता है कैसे बनती है, ऐसे टाइप में बनती थी, अगर तुम्हें याद हो थोड़ा बहुत डायग्राम, तो याद है कि नहीं, ऐसे इनसाइड, अगर हमारे पास एक क्वाइल होती है ऐसे, क्योंकि 3D डायग्राम है, मान लो एक क्वाइल है, ऐसे क्वाइल है, ऐसे क्वाइल है, ऐसे, ये इमेजिन करो ये क्वाइल है, करंट मूव कर रही है, तो ये क्वाइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, ऐसे, एक पॉइंट की वजह से, इस जगह से कैसे बनेगी, ऐसे, इस जगह से कैसे बनेगी, ऐसे, आ रही बात समझ में। तो देखो अगर ये हमारे पास करंट कैरिंग क्वाइल है ऐसे, ये 3D है, थोड़ा समझना पड़ेगा, तो ऊपर वाले पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ऐसे, आ रही बात समझ में, ये ऊपर से करंट अंदर आ रही तो ऐसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो नीचे अगर इस ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, तो इस जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना हो तुम्हें, तो क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट, क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट। तो ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही बन रही, ऐसे क्वाइल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, तो इस जगह अगर हमने टेंजेंट ड्रा करना है तो लो टेंजेंट ड्रा कर दिया बी। अच्छा लेंथ कितनी है बेटा, स्मॉल लेंथ डीएल है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, कम होगी डीबी। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही हैं, तो टेंजेंट ड्रा कर देंगे ऐसे। इसी तरह ये लेंथ डीएल है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेंगी, इधर डीबी, ठीक है। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो अभी एक इमेज दिखा देंगे तुम्हें, तो समझ में आ जाएगा। और लेकिन अगर समझने की कोशिश करो कि क्वाइल ऐसे है, तो ये चीज़ अगर नहीं पता क्या, अगर कि हमारे पास एक सर्कुलर क्वाइल पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाती, कोई वायर दिख रहा है, ये मान लो एक वायर है, यही मान लो एक वायर है ऐसे, ये एक क्वाइल है ऐसे, इस तरह की क्वाइल है, इस जगह पे अगर तुम्हें सर्कुलर क्वाइल है, मान लो इस टाइप में सर्कुलर क्वाइल है, तो इस जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो कैसे बनती है, ऐसे, इसके अंदर से ऐसे फिर ऐसे, आ रही बात समझ में। तो इस जगह पे देखो, इसके अंदर से इस जगह पे तो क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट, तो वही टेंजेंट ड्रा किया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही तो बन रहा था, ऐसे करके कॉइल आ रही, तो इस जगह पे टेंजेंट ड्रा किया तो ऊपर आ गया, ये देखो ऊपर टेंजेंट, अब आ गया होगा समझ में।
इसके बाद देखो ये मैग्नेटिक फील्ड डीबी हो गई, ये डिस्टेंस एक्स हो गई, ये आर हो गई, लेकिन जब बायो सेवर्ट लॉ हम यूज करते हैं तो डिस्टेंस कहाँ से लिखते हैं, जहां से डीएल होता है और जहां तक पॉइंट होता है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे होते। तो ये एक्स है, ये आर है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अंडर रूट, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 या फिर 1/2 अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2, ठीक है। इसके बाद सुनो, ये डीबी है, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करना चाहते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, जबरदस्ती नहीं है। देखो यहां पे एक लाइन ऐसे गई, ये कंपोनेंट रिजॉल्व किया तो ये भी 90। दूसरा तुमने क्या बोला, यहां से हमने ये टेंजेंट ड्रा किया तो रेडियस से टेंजेंट भी कितना एंगल बनाता है, 90 बनाता, क्योंकि ये सर्किल ही तो बन रहा था, तो यहां पे टेंजेंट भी कितना एंगल बना रहा है, 90, तो ये भी 90 बना रहा पूरा। ए बी सी डी ओ, इसका मतलब ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी इक्वल्स टू 90, कोई दिक्कत। उसमें से सेम एंगल माइनस कर दिया, माइनस बी ओ सी, माइनस बी ओ सी कितना आ जाएगा, पूरे में से बी ओ सी माइनस किया तो क्या आएगा, ए ओ बी, इसमें से बी ओ डी में बी ओ सी माइनस किया तो क्या आएगा, सी ओ डी, हम भी तो यही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल सी ओ डी बराबर होगा ए ओ बी के, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, ये वाला एंगल बराबर होगा इसके। बात समझ आई कैसे आया, ठीक। अब सुनो, ये जो एंगल थीटा है जिससे थीटा जुड़ा होता है वो क्या होता है, डीबी कॉस थीटा, और उसका परपेंडिकुलर डीबी साइन थीटा। इसी तरह इसके भी रिजॉल्व कर लें तो ये कितना बन जाएगा, डीबी ये एंगल थीटा, तो ये वाला भी थीटा, डीबी कॉस थीटा और उसका परपेंडिकुलर डीबी साइन थीटा, कोई दिक्कत। डीबी कॉस थीटा इक्वल एंड अपोजिट सो कैंसिल, एक कंपोनेंट बचा डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। तो अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दें। किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि दो बार डीबी साइन थीटा लिखे, तो हम दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही में हम जीरो से लेके कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, 2πr। अगर दो बार लिख देंगे तो दो रिंग हो जाएंगी, एक ही में पूरा इंटीग्रेट कर रहे, दोबारा क्यों लिखेंगे। इसके बाद देखो, बी नेट इक्वल्स टू जीरो, और बायो सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी है बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा, साइन फाई ले लो, थीटा यहाँ पे नहीं, वैसे 90 हो जाएगा, अभी बताएंगे कैसे, अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, कोई दिक्कत चल रहा है यहाँ पे, देखो कोई दिक्कत। इधर सुनो, अभी ये तो वायर कैसा था, कॉइल ऐसे थी, तो लेंथ कैसा हो गया, ऐसा लेंथ वेक्टर कैसे बनेगा, अगर ऐसे कॉइल है तो टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये लेंथ वेक्टर बन गया, ऐसे लेंथ वेक्टर, इस जगह पे ऊपर देखो, इस जगह पे ऊपर सबसे लेंथ वेक्टर ड्रा करेंगे तो क्या बनेगा, टेंजेंट, ठीक है। तो ये लेंथ वेक्टर हो गया, रेडियस ये है, तो देखो एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा, तो इसका मतलब फाई जो एंगल है वो कितना बनेगा, ये वाला एंगल 90 बना, लेंथ अंदर और ये रेडियस, तो बायो सेवर्ट लॉ में फाई इक्वल्स कितना हो गया, 90 डिग्री, ये 90 हो गया, और इंटीग्रेट किया कहां से लेकर, जीरो से लेकर 2πr तक, म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा परपेंडिकुलर कौन, आर, हाइपोटेन्यूस कौन, ये। एक चीज और, म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, व्हाट इज आर, r इज अ डिस्टेंस फ्रॉम dl वेक्टर टू द पॉइंट, तो dl वेक्टर से पॉइंट की दूरी कितनी है, r है क्या, तो फिर कितनी है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आ रही है बात समझ में। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर r, और हाइपोटेन्यूज क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, जीरो से लेके 2πr आपका आंसर आ गया। इधर देख लो, नेट मैग्नेटिक फील्ड
वन अपॉन फोर पाई तो उस पर है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई, अभी डीएल नहीं लिखते, डीएल को बाद में लिखें क्योंकि इंटीग्रेट करना है ना, आई और ये क्या बना आर, आर स्क्वायर लिखा और नीचे क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन और वन बाई टू, तो पावर कितनी हो गई 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इस डीएल को इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके 2 पाई आर तक, ठीक है। ये स्मॉल लेंथ था, मुझे स्मॉल तो नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट रिंग की वजह से चाहिए, तो इंटीग्रेट कर दिया, कुछ है नहीं तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और अपर लिमिट कितना हो गया 2 पाई आर, पाई से पाई इधर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बी नेट म्यू नॉट आई आर और आर आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही मैग्नेटिक फील्ड है एक्स डिस्टेंस पर ऐसी कॉइल जिसका रेडियस आर है, करंट उसमें आई जा रही है और ये कांस्टेंट है म्यू नॉट, ठीक है, नोट कर लो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कई बार पूछा गया, एक बार फिर ये पूछे हैं, गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, हैं? ठीक है वो भी सही है, लेकिन जो मेन कैसे लिखोगे कि अगर हमारे पास एक क्वाइल है मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय क्वाइल व्हेन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये क्या है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ क्वाइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे कैसी क्वाइल रखी गई थी जब हमने गैल्वेनोमीटर बनाया था, रेक्टेंगुलर क्वाइल रखी गई थी, ठीक है। Why is it necessary? ऐसा क्यों जरूरी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो, तीन चार बार ये भी, ताकि उसका टॉर्क मैक्सिमम हो पाए, ठीक, दूसरा उसमें करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और तीसरा वो पैरेलल हो जाए, ठीक है, ये कई बार वहां पे बताया है। इसके बाद अ सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इन अ गैल्वेनोमीटर, हम सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर गैल्वेनोमीटर में क्यों यूज करते हैं, देखो सॉफ्ट आयरन कोर की कुछ खासियत होती हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप के सब्सटेंस तुमने केमिस्ट्री में शायद वीबीटी थ्योरी से पढ़ा होगा, वहाँ पे क्या होता है, अगर पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को हल्का सा अट्रैक्ट कर लेता है, क्या करता है, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर की कुछ खासियत ऐसी होती है कि वो सभी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसके अंदर से पास होने लगती हैं। तो हमें सॉफ्ट आयरन कोर का ही सिलेंडर क्यों बनाना चाहिए, गैल्वेनोमीटर का ये डायग्राम है, इधर हमारे पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट में, और बीच में क्या लगा हुआ होता है, सिलेंडर, और सिलेंडर में क्या होता है, क्वाइल, और इधर से एक स्प्रिंग जो रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करती है, और इधर निडिल, ये सिंपल सा डायग्राम है। तो ये जो है, ये जो सिलेंडर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर का बना होना चाहिए, मान लो ये सॉफ्ट आयरन कोर का ना बना हुआ, ना डाया मैग्नेटिक का बना हुआ, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इसको रिपेल ही कर देंगी, बाहर से चली जाएंगी, ऐसे आ रही बात समझ में। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने सोचा होगा उतना वहां पे उस क्वाइल के अंदर से पास नहीं होंगी, तो हमारा जो कैलकुलेशन है उसमें क्या आएगी, एरर आएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस इसमें यूज हो जिससे कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से जाए, इसके अंदर से जाए, तो वो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी किसमें होती है, सॉफ्ट आयरन कोर, इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते, ताकि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके
अंदर से जाएं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर करेंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। करेंट सेंसिटिविटी क्या होता है, मान लो हमारे पास दो गैल्वेनोमीटर है, एक ये करेंट सेंसिटिविटी पूछा तो अमीटर लो, एक ये है और दूसरा गैल्वेनोमीटर अमीटर है जो कि ए है और दूसरा पी है और पी डैश है। इसको जब हम एक एम्पियर करेंट देते हैं तो ये 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो करता है, और इसको भी जब हम एक एम्पियर की करेंट देते हैं तो ये 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो करता है। कौन ज़्यादा सेंसिटिव है? पी डैश, क्योंकि ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन कर रहा है। तो जो ज़्यादा डिफ्लेक्शन करता है यूनिट एम्पियर करेंट पर, उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है? ज़्यादा। तो करेंट सेंसिटिविटी का सीधा सा फॉर्मूला है, करेंट सेंसिटिविटी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट, थीटा अपॉन आई, या फिर इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के टर्म में अगर किया था तो 1/g आ गया था। तो ये करेंट सेंसिटिविटी, तो क्या बोला है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर करेंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो करेंट सेंसिटिविटी का ये फार्मूला पूछ रहे थे, ठीक है, देख लो एक बार जो हमने समझाया वो देख लो, उसके बाद जो इसमें लिखा हुआ है अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लेना। ये नोट कर लेना, ऑन कर दो, वो नोट कर ले सर, हो गया। चलो देखो यहाँ पे न्यू क्वेश्चन, नया देखो, ये ध्यान से सुनना, बाकी इन लोग को तो पता है। देखो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब किधर जा रही, इनसाइड जा रही, थोड़ा सा खाली जगह मिले हमको, और एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड की एक खासी, ये चार्ज पार्टिकल इसका क्यू चार्ज है और ये वी वेलोसिटी से आ रहा है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसमें फोर्स लगता है, क्या लगता है, फोर्स। जो फोर्स की वैल्यू होती है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इसलिए एफ बी लिख रहे हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स इतना लगता है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा एंगल होगा थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का, जितना ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा कितनी वैल्यू हो सकती है, 90 हो सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं, ठीक, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करती है, -1 to +1। तो -1 तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाता, बाकी जो यहाँ पे फिजिक्स में मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे या 0 या फिर 1। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, और फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करेंट, फादर मदर चाइल्ड ऐसे याद कर सकते हो, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करेंट। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही, तो हम इस चार्ज पर फोर्स निकालना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज हमारा पॉजिटिव है, प्लस लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा तो प्लस ही होगा, तो करंट भी उसी तरफ, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता उधर ही करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर लगेगा बेटा, अपवर्ड। तो क्या चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, नहीं, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये आगे जाने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा। चलो बेंड हो गया, उसके बाद क्या ऐसे चला जाएगा, चलो देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा, तो फोर्स किधर लगा, इधर, फिर भैया फोर्स इधर लगने लगा तो ऊपर भी नहीं जाएगा, फिर ये बेंड हो गया, ऐसे बेंड हो गया, फिर यहाँ पे देखोगे तो फोर्स अंदर लगेगा, फिर यहाँ पे देखोगे तो ऐसे, तो ये कैसा पाथ रोटेट करने लगेगा, सर्कुलर पाथ। तो देखो यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे दो इक्वेशन बन रही, तो एक तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू चार्ज, वी वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो कितना एंगल बना, 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई। तो एक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ये लग रहा,
अगर ये सर्किल में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा सर्कुलर पाथ जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, तो उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो कितना होगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेट सपोज द चार्ज पार्टिकल मेक अ रेडियस आर, वी इज अ वेलोसिटी, एम इज अ मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। एम क्या है? इस चार्ज पार्टिकल का मास है। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, जो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड ही तो प्रोवाइड करेंगी। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक वी कैंसिल हो गया। पांच चीज़ें फाइंड करनी, पहला रेडियस, हाँ तो क्यू बी आर अपॉन एम, दूसरा वेलोसिटी, ये कहाँ निकालें, क्यू बी आर अपॉन एम, ये तो वेलोसिटी होगी है ना, और रेडियस एम वी अपॉन क्यू बी, थर्ड नंबर पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एक एम कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, हाफ एम क्यू स्क्वायर, नहीं एम तो कट गया, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर अपॉन एम। ये हमारी क्या निकल के आ गई? काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद हमें टाइम पीरियड भी निकालना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक बार रिवॉल्व करने में हमें जो समय लगा उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक बार रिवॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई? 2πr। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 2πr, और स्पीड कितनी? v। तो 2πr स्पीड यहाँ से कितनी निकाली थी? क्यू बी आर अपॉन एम, क्यू बी आर अपॉन एम, आर से आर कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2πm अपॉन क्यू बी। ये टाइम पीरियड निकल आया इधर से। नेक्स्ट नंबर पे क्या वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब इसका रेसिप्रोकल, क्यू बी अपॉन 2πm। ये पांच चीज़ें फाइंड करनी थी। अब जरा एक बार क्वेश्चन देख लो, ये थ्योरी बता रहे हैं, अभी थ्योरी में पढ़ाया भी है वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन की बात हमने किया नहीं। क्वेश्चन देखते क्या कह रहा। अच्छा, सबसे पहला पार्ट पूछ ये रहे, राइट एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मास एम चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी अंडर अ मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, क्या दिक्कत है? राइट अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा ना, तो वेक्टर लगा देना, क्रॉस लगा देना, ठीक है, या फिर एन कैप से मल्टीप्लाई करके ऐसे लगा देना, क्योंकि स्केलर से वेक्टर बदलने में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ कब मूव कर रहा? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा था? थीटा बराबर कितना बन रहा था? 90। तो ये पहला है, तुम्हें पता चल गया थीटा बराबर 90 होने पर कैसा पाथ ट्रेवल करेगा? सर्कुलर। हेलिकल कब ट्रेवल करेगा? देखो हेलिकल क्या होता है, हेलिकल तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में एंगल कोई 90 ना बन रहा हो, कुछ और बन रहा हो। तो देखो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, अभी उस वाले केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड अंदर लिया था, यहाँ पे अंदर नहीं जा रही, ऐसे जा रही है, ताकि आप एंगल बनाओ तो आपको समझ में आए वेलोसिटी। और तो यहाँ पे देखो, ये मान लो किसी एंगल थीटा पर वी वेलोसिटी से चार्ज क्यू मूव कर रहा है। अगर ये वी है तो इसके कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे वी वेलोसिटी के। ये नीचे वाला कंपोनेंट वी कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वी साइन थीटा। मुझे ये बताओ, जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर वाले पे लगता है कि 0° पे लगता है? भाई अगर 0 हो गया ना वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल, तो साइन 0 हो जाएगा, फोर्स भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बन गया? 0। यहाँ पर 0 v cos थीटा से पूछ रहे हैं, लेकिन v sin थीटा एक्सपीरियंस करेगा। तो चलो v sin थीटा एक्सपीरियंस करेगा, परपेंडिकुलर है तो वो पाथ कैसा बनेगा? सर्कुलर। लेकिन एक आगे की तरफ भी तो कंपोनेंट है v cos थीटा,
इसका मतलब सर्कुलर तो बनेगा लेकिन पार्टिकल आगे भी जाएगा, तो ये ऐसा पाथ बनेगा, स्प्रिंग जैसा पाथ। आ रही बात समझ में? ऐसा पाथ, और इस पाथ को क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ बोलते हैं। तो हेलिकल पाथ कहां पे बन रहा है? कहां गया, पूछा कहां था? हाँ, हेलिकल पाथ कब बनेगा, अंडर व्हाट कंडीशन? एंगल नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो कैसा पाथ बनेगा? हेलिकल पाथ। थर्ड नंबर पे, सो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन कॉन्स्टेंट, सो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर आर अपॉन एम। ठीक है, तो कुछ ऐसा वेरिएबल लग तो रहा नहीं, हाफ तो कॉन्स्टेंट ही है, चार्ज है तो भैया फिक्स ही है उसका चार्ज की वैल्यू, है ना। मैग्नेटिक फील्ड तुमने लगा दी है तो वो भी चेंज होने वाली है नहीं, और रेडियस फिक्स है किसी, और मास भी उसका फिक्स ही है, चार्ज पार्टिकल उसका मास तो नहीं चेंज होता। लेकिन हाँ, कभी कभी एक कंडीशन और ले होती है, ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, विद इन लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वेलोसिटी पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगने लगती है। एम इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम। शायद अगर आप रिफरेंस में पढ़े तो वहाँ पे एक चीज़ ये लास्ट में दिया हो ये पॉइंट, ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखना, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो मास भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, एक बार जो हमने बताया वो लिख लो और उसके बाद इधर वाला पार्ट लिख लो, क्वेश्चन लिख लो।